सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। सो गाइस, आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी लोग जिनके स्पेशल एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। सो अलग अलग वीडियोज़ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और सबसे पहले क्षमा मांगना चाहूँगा सभी बच्चों से जिनका मैं आंसर की अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी और टीचर भी अवेलेबल नहीं था, इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। बट अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था, काफ़ी सारे बच्चे थे, करीबन 30 से 40 बच्चे थे जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और मैंने उन सबको विश्वास दिलाया था कि आज नहीं तो कल थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट मैं आपके सारे सब्जेक्ट की आंसर की जरूर अपलोड करूंगा। और देखिए, मैंने 302 की ऑलरेडी अपलोड कर दी है, 303 की ये वीडियो बनी रही है और 304, 305, 306 सारी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। आपको बस वेट करना है और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब देखते हैं डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर की आंसर की। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता जाऊँगा किसका क्या है, आप लोग देख लें। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तो मैं उसको करेक्ट करके आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और एक और बात है गाइस, आप लोग देखिए फ़ोटो भेजते हैं कई सारे लोग, तो एकदम अच्छे तरीके से, देखिए कई लोग क्या है फ़ोटो एकदम बेकार भेजते हैं, तो एकदम अच्छे से क्लीन फ़ोटो खींचिए पेपर की, साफ साफ देखें और उसके बाद पूरे पेपर की एक PDF बना के मुझे आप ईमेल कर दिया कीजिए। मेरी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग भेज सकते हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो है बी होगा गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात, सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर भी होगा ए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर सेवन इसका करेक्ट आंसर भी होगा गाइस आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर एट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर एट इसका भी करेक्ट आंसर बी ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नाइन करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन, अच्छा नाइन पे थोड़ा सा डाउट है, या तो पॉजिटिव होगा या देखिए ऑल ऑफ द अबव या ये होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आप लोग मुझे डाउट क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर टेन का देखेंगे तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की बात करें तो फोर्टीन का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखेंगे, फिफ्टीन का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर होगा डी, 100% श्योर है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 25 का भी डी। क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर होगा आपका डी। सो गाइस देखिए, सबसे पहली बात तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर मेरी नज़र में तो 100% सही होते हैं, फिर भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो, तो आप लोग विश्वास रखें। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इतना मेरे पढ़ने का टाइम नहीं है, काफ़ी सारी वीडियोज़ बनानी है और भी काम रहते हैं, तो यहाँ सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से देखे हुए हैं, ठीक है। फिर भी एक दो गलती होना लाजमी है कि कई बार होता है ऑप्शन ऊपर नीचे टिक हो जाता है जल्दी जल्दी में, है ना, जल्दी जल्दी में टिक हो जाता है, तो उस बात का आप लोग बस ध्यान रखें। बाकी कोई इशू नहीं है, मेरे द्वारा बताएगा सारे आंसर आपको सही ही मिलेंगे, आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 26 का डी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा गाइस ए। तो ये थे आपके 303 यानी कि डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।